Mm-hmm. Ah. नम कुंज बिहारेण नम श्री हरिदास मुख्य सख्य अवतारण प्रथम लड़ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास पेम ने जो नहे कहे सूरज बिहार दास गुरु सेवत गोविंद मिला और गुरु गोविंद दहिया श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है जीवत है वृंदटवीरज पात्रो निधिवरण्य निवास कृत गान विद्या निधान स सस्वामी शरण गात्राय नमः नमः श्रीहरिदासाय भक्तिमार्गाब्जवान् श्रीहरिदासपादकमलं संसर्गतापाहं चित्तालप्रमद प्रदं सुललितं सु पदमघसोवाजितम् तत् नित्यै मणितं सुखकरं सेव्यं सदा हंसकैस् तत्केले सुसुधा सरः प्रविक्सदृत्पद्मबन्धुप्रियम् अतः श्रीहरिदासेन UH सदृशो नैव कश्चन दात्रा नित्यविहारस्य बिना नित्य विहार घटा चटा न कसिक उठे सामल गौर मिला धन प्रगट और सरित को जय जय श्री हरिदास ना पाई ना पाई है श्री स्वामी बिनु के विपिन बसो बैराग्य जुता जो लड़का विपिन बसो बैराग्य जूता जौ लड़काई खे जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय वृंदावन चंद्र जी की जय समस्त आचार्य वृंदन की जय गुरुजी महाराज की जय 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 श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्याा कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास श्री उज्जवल उज्वल चिन्मय महामार निपट नृत्य बिहार रस उपासक अन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास महाराज लाल ठाकुर श्री बांकी बिहारी बिहारी श्री मोहिनी बिहारी बिहारी श्री रंगील बिहारी बिहारी आचार्य भाव रसिक संत प्रेमीजन भक्तजन सभी के श्री चरणार बिंदो में दास का साष्टांग धन्यवाद जन इस जीव को समझाने के लिए भांत भांत के उपाय करते हैं कि हमको कुछ समझ में आ जाए महाराज ठाकुर ने चार स्वरूप धारण किए हैं हमें समझाने के लिए हरि गुरु संत और शास्त्र, चार स्वरूपों में हमें समझाते हैं। महाराज कहते हैं हरि गुरु बार बार समझावे पर जाके मन में नेक न आवे हरि गुरु संत आचार्य जन ठाकुर स्वयं आके खूब समझाते हैं पर हमको समझ में जो है ना महाराज कहते हैं कि गधा चले बजाए लठा। हमारी आदत जो है ना बहुत ज्यादा अजीब हो गई है बहुत ज्यादा बेकार हो गई है जैसे अपने ब्रज में कह देते हैं कि ये तो बेहा है गए तो हम जो हैं वेहा हो गए बेसर्म हो गए हैं इतनी ज्यादा डाट डफट महाराज ने बाणियों में लगाई है इधर यमराज के पास बार बार है ये जी वो हमेशा इसको डांटता है कि तुझको मनुष्य दे दी पृथ्वी पे तू गया और पृथ्वी पे जाने के बाद में दी थी मनुष्य देही कि तू हरि का भजन करेगा और तू दोबारा से मेरे पास में आ गया अब दोबारा से इस संसार को भोगत इस जो नरक है नरकों की यातना को तू भोगत महाराज हम कितो कहो सुनो समझाओ को ना भयो चित्त कंठ मठा अनठो रहो मन रहो ठूट रहो या सटको संदेह आज के प्रसंग में भी महाराज ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि ज्यादातर हमारी जो मानसिक स्थिति इस प्रकार से बन चुकी है कि ये मैंने किया है ये मैंने किया है वो मैंने किया है जितने भी संसार के जो कार्य हैं हमने कर रहे हैं हम कर रहे हैं इस कार्य महाराज हम करने वाले क्या हैं और यदि हमारे पास में कोई गुड़मी है गुड़मी है ज़्यादातर हम सोचते हैं ज़्यादातर कि लोग हमारा इतना सम्मान करते हैं हमारी इतनी बड़ी वाह वाह करते हैं वो याद रखो कि तुम्हारा उसमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं है केवल तुम्हारे गुणों का ही सम्मान हो रहा है हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये हमारा सम्मान हो रहा है हम लोग सोचते हैं ये लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ये हमारा नहीं हमारे पास जो गुण हैं उनका सम्मान लोग कर रहे हैं तुम्हारा कह रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ गुण आए हैं हरि की इच्छा से तो उनका सदुपयोग करो नहीं तो तुम्हारे पास चाहे सारे के सारे गुण हैं सब गुण माटी होए ये तोते अभिमान सारे के सारे जितने भी गुण हैं वो एक दिन मिट्टी से स्वरूप हो जाएंगे मिट्टी सदृश हो जाएंगे अगर तुमने उन गुणों को अवमान कर लिया इसीलिए महाराज कहते हैं अभिमान नहीं करना चाहिए अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार सारा लोहा उन लोगों का अपने केवल धार अपना संसार में है ही क्या अपना क्या है इस जीवन में जो भी लिया उधार हमारे पास जो भी है वो दूसरों का दिया हुआ है ज्ञान है वो भी दूसरों ने दिया है और विद्या है वो दूसरों ने दी है जन्म दिया है वो भी दूसरों ने दिया है अगर धन भी है हमारे पास तो धन भी दूसरों ने दिया है चाहे जैसे भी आया हो हमको हम जाएंगे जब अंतिम समय आ, आएगा अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमको सही भी दूसरे लोग ही करेंगे हम जब पधारेंगे तो हमको कंधे भी दूसरे लोग ही देंगे महाराज फिर अभिमान किस चीज का करके बैठे हुए हैं हम और हम कहते हैं कि ये मैंने किया है महाराज क्या किया तुमने करता कृत माने नहीं माने निज करतूत कभी भगवान को कभी ठाकुर को कहते हुए सुना है कि ये कम मैंने किया है सारे कर्ता ठाकुर ही हैं सब कुछ सारे कार्यों को करने वाले वही हैं लेकिन कभी वो अपना नाम लाते हैं कि ये मैंने किया है कर्ता कृत माने नहीं और हम जो हैं सारे के सारे कार्यों को हरी करने वाले हैं लेकिन फिर भी उन कार्यों को अपने ऊपर मर लेते हैं कि ये मैंने किया है माने निज करतूत और जब तुम स्वयं मालिक बन जाओगे ना इस बात को बहुत बार आ गई है कि जब तक अपने आप को स्वयं मालिक बने रहोगे हमेशा दुख का संग्रह करना पड़ेगा तुम्हें हमेशा दुखी रहोगे यदि खुद मालिक बन के रहोगे यदि तुम कल के प्रसंग में भी यही बात आई थी अपने आप को एक सेवक मानो अपने आप को एक मुनि मानो कि मैं एक ठाकुर का सेवक हूँ मुझे केवल ये सेवा सौंपी है ये संसार मेरा नहीं है ना संसार की कोई सामग्री मेरी है जो कुछ भी है हरि ने जो मुझे दिया है इस केवल सेवा करने के लिए संतों की सेवा हो जाए भक्तों की सेवा हो जाए और जीवों की सेवा हो जाए केवल इसीलिए हमको भेजा हुआ है और इसीलिए अगर हमारे पास धन है केवल इसीलिए आया हमारे पास महाराज इसी बात को कहते हैं कर्ता करता करत माने नहीं माने निज प्राणी कर लगे अविद्याभूत लगे अविद्याभूत कही द्विज रक्षा करे हो अर्जुन मेरो नाम नहीं पावक में जड़े हो कर गए श्याम बचाए बतायो जो सहरता भगवत रसक नरे सकल कर्तन को करता अहंकार महाराज नारद जी को हो गया था नारद जी को अहंकार हुआ कि मैंने तो कामदेव को भस्म कर लिया है मैंने कामदेव को भस्म कर लिया है महाराज ठाकुर ने उनका भी जो अहंकार है वो नष्ट किया अपने भक्तों का अहंकार ठाकुर रहने नहीं देते हैं और अगर हम बार कोई अहंकार करके बैठ जाएं, तो फिर हमारा क्या होगा और जो अहंकार होता है केवल इन चीजों का होता है कि विद्या वित्त वित्त बपुर ही सताम गण विरासत मित्र स्मृत हतायाम वृत्तमान दुर्द्रशा स्तानप्यंत ही धूम धाम ते ही भूय श्याम स्तब्दानप्यं ते ही धाम भूय विद्या वित्त वपुर वह कुलई विद्या तप वित्त वपु बपुर वह ये छह वस्तुओं का अभिमान होता है महाराज ने हिंद बताया विद्या रूप महत्व तो कुल हमारे पास में कुछ विद्या है उसका अभिमान हम सुंदर हैं उसका अभिमान विद्या रूप महत्व तो कुल हमारे पास, पास कोई वस्तु है, है उसका अभिमान आ, हमारे पास जैसे गाड़ी है, है। गाड़ी उस गाड़ी का अभिमान और ही वस्तु है वाले कुछ नहीं है कुछ नहीं है रहने वाला विद्या रूप महत्व कुल हम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं उसका अभिमान धन का अभिमान हमारे पास यौवन है उसका अभिमान महाराज अच्छा इन वस्तुओं में से तुम्हारे पास ठहर किया जाएगी इतना समझा दो अगर बात करें कि कुल और विद्या की तो रहेगी वो भी नहीं अगर तुमने अभिमान करके रखा धीरे धीरे करके सारी की सारी विद्या खुद चली जाएगी विद्या तपो विनय विद्या विनय जब विद्या किसी पर तभी आती है जब हम एकदम दीन था हम अपने आप को कुछ नहीं मानेंगे तो अपने आप को महाराज कहते हैं तणाद्यपि सुनिचिन तरोर सह सुन अमाने न मान दे कीर्तिन है सदा हरि, अपने आप को तिनके से भी छोटा माने तणाद्यपि सुनिचिन तरोर सह और दक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो जाए कोई कुछ भी कहे जाए कोई कोई दिक्कत नहीं अमाने नें कीर्तन है सदा हरी स्वयं एकदम अमान ही रहें और मान पात्र को मान दें और हमेशा हरि का स्मरण करते रहें तो तनादपि सुनी अपने आप को बहुत छोटा मानो महाराज ये जो पासना है ना स्वामी जी की उपासना है दीनता श्रोमणी उपासना है अपने आप को ऐसे समझो कि मैं कुछ हूं ही नहीं श्री स्वामी बिहारेन्दे जी महाराज कहते हैं कहा गर बैरे मृतक नर कि जो तुम अहंकार करके बैठे हुए हो किस चीज का अहंकार कर रहे हो तीन भात है जात सो विष्टा क्रमी खे हम अपने शरीर का अहंकार कर रहे हैं हमारे पास कुछ वस्तु है उसका अहंकार करें कोई विद्या है उसका अहंकार करें मारा मरने के बाद में, पास कुछ भी नहीं रहेगा अहंकार किस बात का करके बैठे हो तुम कहा गैर मृतक नर स्वान स्यार को खान पान तन ऐठ चलतर जिस देह को हम बहुत सुंदर समझ रहे हैं बहुत अच्छी समझ रहे हैं वो भी हमको एक दिन छोड़कर चली जाएगी महाराज बाल कुमार पौगंड और भी कई सारी पश्चाएँ है होती हैं कौन चाहता है बुढ़ापा आ जाए कौन चाहता है कि हमारे नेत्र हमें जवाब दे दें जिसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं ना देही को देखे नहीं जो देखे सो देह महाराज कह रहे हैं हर समझे हरि ही भयो हर भूले भयो दे। ता तादेही के तीन गुण के श्री स्वामी ललित किस देव जी महाराज कह रहे हैं कि हरे भूले हरे समझे हरि भयो अगर हमने हरि को समझ लिया तो हमारा जो स्वरूप है वो हरि सदृश हो जाएगा हरे समझे हरि भयो हरे भूले भयोदे और हमने हरी को भूल दिए भूल गए तो तो हमारा जो स्वरूप है हर भय दे संसारिक देव बन जाएगा और तादेही के तीन गुण ब्रिष्टाक्रम के हमको तीन ही वस्तु बनने, या तो भिष्टा बन जाएंगे किसी की या फिर एक भस्म बन जाएंगे या फिर गल जाएंगे हम पानी में अगर फेंक दिया गया तो ऐसी सुख से ऐसे किस बात का कर, अपमान करके बैठे हो हमारे पास खुद का कुछ भी नहीं है तो करता कृत माने नहीं माने निज करतूत तो स्वान स्यार को खान पान तन ऐठ चलतरे हम बड़े ऐठ ऐट के चलते हैं जो हमारे पास धन है हमारे पास कुछ वस्तु है उसके अभिमान में हम बड़े बड़े ऐट ऐट के चलते हैं लेकिन एक बात याद रखना अगर तुम जितना ज्यादा एट के चलोगे ना उसके बाद में उतना ही तुमको फिर भुगतना पड़ेगा दुख का संग्रह करना पड़ेगा इसीलिए महाराज बार बार कहते हैं अपने आप को इतना ज्यादा छोटा समझें कि रसिक संत महानुभाव होते हैं महाराज स्वयं ठाकुर उनके अधीन रहते हैं ठाकुर भी क्योंकि हरि कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेगा हम भक्त पराधीनो यश त्रंत यवद साद भैरग्रह सृदयो भक्त ही भक्त जनप्रिय महाराज अमृषि महाराज थे पूरे आधी पृथ्वी के सम्राट अमरीश जी महाराज का इतना बड़ा राज्य था कि जहाँ से सूर्योदय होता था और जहाँ पे अस्त होता था इतना बड़ा राज्य अमरीश जी महाराज का था इतना बड़ा राज्य होने के बाद में भी वो अपने आप को कुछ गिनते ही नहीं थे कि मैं कुछ हूँ क्योंकि ठाकुर के लिए अगर प्रसादी भी बनाते ना अपने हाथों से प्रसादी बनाते ठाकुर के लिए अपने ठाकुर की सारी की सारी सेवाएं अपने खुद के हाथ से करते कभी भी किसी से कुछ नहीं कहते थे कि तुम हमारे लिए ये कर दो सारी की सारी सेवाएं खुद करना और हमारे पास थोड़ा सा भी कुछ आ जाए तो हम लोग हमारा आसमान को नापने लग जाते हैं कि हमसे बड़ा कौन है तो करता कृत माने नहीं यही जो गलती है अर्जुन ने भी की थी माने करतु ते प्राणी दुख पावही लगा अविद्यावत कही दु रक्षा करियो एक बार की बात कि भगवान और बलराम जी और अर्जुन और भी बहुत लोग बैठे हुए थे सभा चल रही थी ये बात है द्वारकापुरी की वहाँ बैठे हुए थे बीच में ही एक ब्राह्मण आ जाते हैं ब्राह्मण उनके पास आए भगवान के सामने और उनके सामने आकर कहा कि हे भगवान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और परेशान ये है कि मेरी जो संतान हैं मेरी जो संतान हैं जैसे ही पैदा होती हैं पैदा होती ही मर जाती हैं जितनी भी संतान अभी तक हुए हैं सारी की सारी संतान पैदा हुई और मर गई महाराज ऐसी कोई कृपा करो कि मेरी जो संतान हैं वो बच जाए उन्हें कुछ ना हो भगवान वहाँ बैठे हुए थे महाराज भगवान ने अभी कुछ भी नहीं बोला अर्जुन बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अब की बार मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ तुम्हारी संतान को कुछ नहीं होगा तुम्हारी संतान ऐसी रहेगी और जीवित रहेगी अगर ऐसा नहीं हुआ ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अगर आप मेरी संतान को नहीं बचा पाए तो आप क्या करेंगे वैसे तो हमें विश्वास है कि आप अर्जुनों गांडीव धारी अर्जुन पूरी एक में पूरे पृथ्वी को हिला दो आप लेकिन अगर आप नहीं बचा पाए हमारे पुत्र को तो आप क्या करोगे अर्जुन ने कहा कि यदि मैं आपके संतान को नहीं बचा पाया तो मैं तुरंत के तुरंत अपने दहा कर लूंगा आत्मदाह कर लूंगा मैं वहीं मर जाऊंगा कि अच्छा कि हाँ महाराज गए वो अर्जुन क्योंकि गांडीधारी अर्जुन इतने बड़े धर्मधर कि उन्होंने एक ऐसी बाणों की एक ऐसी एक जालसा बनाया ऐसा जालसा बनाया कि उसमें केवल और केवल वायु का ही मंत्रों के द्वारा बनाया वो जिसमें केवल वायु आ जा सकती उसके अलावा काल का भी प्रवेश न हो वहाँ पे और कोई भी व्यक्ति या कुछ भी वस्तु नहीं जा सके ऐसा उन्होंने बनाया अब तो बनाया और जैसे ही समय हुआ उन्होंने बना के तैयार कर दिया अब क्या होता है कि जैसे ही जो संतान है वो पैदा हुई पैदा होती खेम वो गायब हो गया जो बालक था वो गायब ही हो गया जैसे ही गायब हुआ अब तो ब्राह्मण रो, रोने लगे ब्राह्मण रोते हुए अर्जुन के पास में आए कि महाराज आपने तो शपथ ली थी कि आप मैं आप तुम्हारे संतान को बचा लूँगा लेकिन मेरी संतान तो बची ही नहीं है और बची क्या पहले तो मैं अपने संतान का मुख तो देख ले देख लिया करता था अब एक बार तो मुख भी नहीं देख पाया कि मेरी कैसी संतान है कि अच्छा क्या हाँ महाराज आपने कहा था कि आप प्राणदाह कर दोगे दूसरी आपकी ये शर्त थी कि बिल्कुल हम अपने वचन से नहीं मुकरेंगे अब तो महाराज जो, जो अर्जुन है अब तो मरने के लिए तैयार हो गए अग्नि में प्रवेश करने ही वाले थे उनकी उनको ठाकुर की याद आ गई कि अरे मैं ठाकुर से अंतिम प्रणाम तो कर लूँ ठाकुर के जैसे ही प्रणाम करने पहुंचे तो कहा कि महाराज में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें अब मैं अपने शरीर को दहा करना हूँ पावक मैं में अग्नि में जल के अपने शरीर को विनाश कर लूँगा मैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम तो? भगवान को सारी बात पता दें लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं क्यों कर रहे हो तो अर्जुन ने सारा के सारा वृतांत तो ठाकुर को बताया अर्जुन से कहा भगवान ने कि एक बात बताओ जब ब्राह्मण यहाँ पे आए थे तो हम भी बैठे हुए थे और राज्यसभा में तुम ही नहीं और भी बहुत लोग थे किसी ने कुछ बोला था क्या एक बात बताओ कि उनके दुख हम दूर नहीं कर सकते थे हम भी तो कुछ कर सकते थे लेकिन उस समय हम यदि शांत थे तुम्हारा बोलने का क्या मतलब था वहां पे अर्जुन कभी अहंकार मत करो अगर तुम ये सोचो ना कि तुम अपने गांडीव के बल पर पूरी पृथ्वी को विजय कर सकते हो तो महाराज जब ठाकुर चले गए थे भगवान जब चले गए थे तो वही गांडी वही बाण कहते हैं ना समय समय की बात है समय बड़ा बलवान बिलन बेलन लूटी गोपिका वही गांडी वही अर्जुन वही बाण समय समय की बात है जब अर्जुन ठाकुर के जाने के बाद में जब अर्जुन सारी की सारी रानियों को लेकर जब कुंती बुआ के पास में आ रहे थे जब राधा रानी के पास जा रहे थे तो सारी की सारी रानी जो अर्जुन से लूट ली गई उनके पास कुछ ही रानी रही भीलों ने लूट ली अब उनका जो बल था महाराज कहाँ पूरी पृथ्वी पे अकेले ही भारी और अब उनसे एक स्त्रियों की रक्षा ही नहीं हो पाई तो उन्होंने बताया कि जब हम वहाँ पे शांत बचे थे तुम्हारा बोलने का क्या मतलब था तो ठाकुर से कहा कि भगवान अब तो जो हो गया सो हो गया अब मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं बचा पाया तो मैं अग्नि में जल के अपने प्राण दे दूँगा कि तुम चिंता मत करो तुम्हारे ये जो करती करतूत है ना तुम्हारे अवमान को नष्ट करने के लिए ये जो लीलाएं हमने की है बाकी उनके जो पुत्र हैं जो बच्चे हैं वो मिल जाएंगे फिर ठाकुर कथा जो लंबी है ठाकुर जब गए तो पृथ्वी को पार किया पृथ्वी को पार करने के बाद में बहुत अंधेरा आया अंधेरा तो भगवान सुदर्शन चक्र का आह्वान किया अंधेरे को चीरता हुआ वहाँ पहुँचे तो भौमस भौम पुरुष जो हैं पुराण पुरुष वहाँ के पास पहुँचे उन्होंने कहा कि आपकी जो लीला है वो उसका कुछ ही समय रह गया है आप अब पधारें नित्य नाम को लिए आप पधा तो तब उन उन सारे के सारे बच्चों को लेके आए तब जाके उनको दोबारा उन बच्चों को प्रदान किया उन ब्राह्मणों को तुम्हारा तो अहंकार जब अर्जुन सरीके का नहीं रहा अहंकार महाराज नारद जी का भी नहीं छोड़ा भगवान शंकर का भी नहीं छोड़ा अहंकार तो फिर हम हम कौन सी खेत की मूली हैं हम अहंकार करके बैठ जाते हैं तो देही को देखे नहीं जो देखे सो दे तीन भात है जात सो रिष्टा क्रमे गेह मलमूत जान को तोल नहीं तलवार मोल सब करत मान को सारा सार विचार हम लोग ऊपर ऊपर की सुंदरता को देखकर ऊपर के गुण को देखकर अपने ऊपर जो गुण हैं उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मौत में इतने गुण हैं लेकिन इस सारे के सारे नाचवाने जब मर जाओगे तो कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे कोई नहीं पूछेगा कर्ता तो करता कृत माने नहीं माने निज करतूत जिस कार्य को ठाकुर कर रहे हैं सारे कार्य को हरी करने वाले हैं उनकी करनी नहीं मानके हम अपनी करनी मानते हैं इसे इसीलिए हम हमेशा दुख पाते हैं ते प्राणी दुख पावही लगे अविद्याभूत तो कर गए श्याम बचाए बतायो जोश हरता भगवत नरस भगवत रसिक नरेश सकल कर्तन को करता तो हमारे जो बिहार जी महाराज हैं हमारे स्वामी जी महाराज हैं सारे कर्ताओं के करता कर्तन के कर्ता गो सरस बिहारी आप जा पर ढरे दयाल हुए ताहे न लागस राव हमारे जो बिहार जी महाराज हैं स्वामी जी महाराज हैं सारे के सारे जितने भी बड़े से बड़े कर्ता हैं सारे के कर्ताओं के ऊपर हैं सब कालन को काल लोग पालन को पालें आपन सदा स्वतंत्र नयन बुद्ध विशाल है बिहार देव महाराज कहते हैं सुन अहंकार भलो न भिया काहे को दुख सुख है पर बिना दिया बुद्ध विवेक हेर हर मोहन हे ढिया बिहारी दास सुख सुजानो यो जग जानो जिया तो सुन अहंकार भले हो ना भैया काहे को दुख सुख मानते बिना दिया दूसरे का बिना दिया हमारे पास कुछ है ही नहीं और फिर हम अहंकार करके बैठे हैं अभी आपने श्रवण किया विद्या भी दूसरे ने दी हमको जन्म भी दूसरे ने दिया और और भी जितने वस्तु दिए हैं हमको दूसरों ने दिए अंतिम जो कंधे हैं वो भी दूसरे देंगे फिर हमारा खुद का क्या है हमारा तो शरीर ही नहीं है अगर हमारा शरीर है तो हमारा चलते चलते हमारे नेत्र भी चले जाते हैं धीरे धीरे करके जब बुढ़ापा आता है नेत्र जवाब दे देते हैं हमारे घुटने जवाब दे देते हैं हमारे पूरा शरीर जो है हमारे कान मुंह सब के सब धीरे धीरे शिथिल होता जाता है फिर हमारा क्या है इसमें तो महाराज कहते हैं कि किसी वस्तु का अहंकार मत करो अगर तुम अहंकार करके बैठ गए किसी वस्तु का तो आगे चल के तुमको बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा तो कर गए श्याम बचाए बताए जोशा भगवत रसिक नरेश सकल करतन को करता तो हमारे जो भैर जी महाराज हैं सारे के सारे कर्ताओं के कर्ता हैं बोलो स्वामी जी महाराज की जय मन मेरे भजलसरी कुंज बिहार मन मेरे भजलश्री कुंज बिहार सब सुख सा गर रूप उजागर सब सुख सा घर रूप उजागर अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी वृंदावन घन नवन कुंज में वृंदवन घन नवन कुंज में के ले करत भुज चा। श्री बिहारी बिहार दास लड़ावत बिहारी बिहार रेन दास लड़ावत जीवन प्राण मारे हमारे जीवन प्राण हाँ मारे हमारे मन मेरे भजे श्री कुंज बिहार गारी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय वृंदावन चंद्र जी की समस्त आचार्य वंदन की जय गुरु जी महाराज की जय 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 श्याम कुंज बिहारी श्री हरि